हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। माई सेल्फ चित्रंजन कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर फेवरेट टॉपिक, लाइंस एंड एंगल्स। दिस इज द सेवेंथ पार्ट बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी लॉन्ग चैप्टर। ओके, सो वी विल डिस्कस टुडे एक्सरसाइज क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल वन एंड एंगल टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। डिटरमाइन ऑल एंगल्स फ्रॉम 1 to 8। यहाँ पे एक फिगर गिवन है स्टूडेंट, जिसमें आपको इसका रेशियो दिया है, हुआ है 1 और 2 का रेशियो दिया हुआ है। क्लियर है? अब इसमें बाकी रिमेनिंग जितने भी एंगल्स हैं 1 से 8 तक, उस सभी को आपको क्या करना है, उसका वैल्यू बताना है। रिमेनिंग क्या सभी का 1 to 8 का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर से ये 180 हो गया। अब इसका रेशियो गिवन है स्टूडेंट, तो रेशियो लेट एंगल 1 इक्वल टू 3x एंड एंगल 2 इक्वल टू 2x। ओके, तो अब यहां पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x इक्वल टू 180, 5x इक्वल टू 180, देयरफोर x इक्वल टू 180 बाय 5, देन वी हैव 36 डिग्री। नाउ एंगल 1 इक्वल टू 3 into 36, इट मीन्स 108 डिग्री, एंड एंगल 2 इक्वल टू 2 into 36, इट मीन्स 72 डिग्री। ये 1 और 2 का वैल्यू आ गया आपका। ये लीनियर पेयर से 1 और 2 को हमने ऐड किया तो 180, तो इसका रेशियो दिया हुआ है, तो इसको 3x हमने मान लिया एंगल 1 को, और एंगल 2 को 2x कर लिया। तो x की वैल्यू जैसे ही हमने डिराइव की, उससे 1 और 2 आपका फाइंड हो गया। अब इसी को रिलेट करके बाकी सभी एंगल्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब स्टूडेंट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये कैसे होगा, तो बाई कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल 5 108। ओके, उसी तरीके से आपका एंगल 1 और 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, एंगल 3 की वैल्यू एंगल 1 के बराबर ही हो जाएगी, 108। क्लियर है? अब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 2 के बराबर, एंगल 2 72 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट हमारा कितना एंगल फाइंड हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब यहां पे रिमेनिंग जो है हमारा एंगल 7 इक्वल टू 5 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल से 7 और 5 इक्वल है, तो 5 की वैल्यू क्या है, 108, तो एंगल 7 क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। ओके, अब आपका 2 और 8, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 2 बाय एक्सटीरियर
अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो एंगल 8 कितना हो जाएगा आपका वैल्यू 2 के बराबर यानी 72। अब एक बाकी रह गया 6 आपका, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, दिस इज ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया, तो एंगल 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 6 की वैल्यू 72 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने कितना फाइंड कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ऑल 8 एंगल्स यहां पे डिराइव हो गया। तो स्टूडेंट, ये हमारा एंगल का वैल्यू है, तो इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हो। अगर कोई भी एक एंगल पता है तो उससे आप सभी पता है, यहां तो हमने 2 को डिराइव कर लिया था। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, इन फिगर इफ वन सॉरी एल पैरेलल एम पैरेलल एन एंड एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड एंगल 2। ओके, अब यहां पे 3 लाइन सेगमेंट पैरेलल दिया हुआ है, तो एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन दैट L पैरेलल M पैरेलल N, ओके, एंड P इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 बाई अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ओके सॉरी अल्टरनेट नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं, 1 और 3 होगा, ये तो इक्वल है ही नहीं, एंगल 3 बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है? अब ये 60 हो गई, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर हो जाएगा, ये दोनों लीनियर पेयर है, तो एंगल 3 का वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इट मींस 120 डिग्री, तो एंगल 4 हमें पता चल गया, हैंस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो एंगल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की वैल्यू क्या आई है, 120, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो यहां एक एक करके 3 स्टेप में बना, एंगल 1 को 3 से रिलेट किया गया, वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और 3, 4 को एड करने पे 180 आए, तो वो क्या है, लीनियर पेयर है, तो 3 और 4 पता चल गया। अब 2 को 4 से रिलेट क्यों किया गया, क्योंकि 2 और 4 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो 2 और 4 इक्वल हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपको 2 की वैल्यू फाइंड हो गई।
नेक्स्ट वन स्टूडेंट, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, फिगर में ए बी और सी डी पैरेलल दिया हुआ है एंड सी डी पैरेलल ई एफ, क्लियर है, सी डी और ई एफ पैरेलल दिया हुआ है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ए बी और सी डी, इट मीन्स ये और ये पैरेलल है और अगेन सी डी इसके भी पैरेलल है। ओके स्टूडेंट, तो अब यहां पे इसके ये पैरेलल है, तो सबसे पहले ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, क्लियर है, ये भी 70 हो जाएगा, इसको पहले समझ लो आप लोग, 70 हो जाएगा। अब ये 70 हो जाएगा और ये कितना दिया हुआ है, 130 दिया है। अब स्टूडेंट ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो ये दोनों एंगल, ये वाला और ये जो अकेला एक एंगल है ये छोटा वाला, ये दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा, तो इट मीन्स इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यू ए सी ई का वैल्यू पता करना है, ए सी ई जो हमने कर लिया ए सी ई। ओके, तो इसी तरीके से इसे सॉल्व करना है, अब इसे सॉल्व करते हैं। गिवन दैट ए बी पैरेलल सी डी ओके, देयरफॉर एंगल ए बी पैरेलल सी डी एंड AC is transversal which intersect AB and CD. Okay? Therefore, angle BAC equal to angle ACD by alternate angles, ओके, अब ACD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 डिग्री, क्यों, क्योंकि बी ए सी आपका क्या है, 70 डिग्री है, क्लियर है। अब स्टूडेंट ये टोटल हमारा 70 डिग्री हो गया, नाउ ई एफ पैरेलल सी डी इंटरसेक्टिंग ई एफ ट्रांसवर्सल then angle FEC plus angle ECD equal to 180 degree sum of two कंजिक्यूटिव एंगल एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल्स इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो अब यहां पे हमारा क्या है, FEC का वैल्यू 130 दिया है प्लस एंगल ECD इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट इसे हम क्या करेंगे, एंगल ECD 180 माइनस 130
इट मीन्स 50 डिग्री, ओके। ई सी डी की वैल्यू हमने 50 डिग्री ला दी। अब ए सी डी कितना है? नाउ एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए सी ई प्लस ई सी डी, ओके। ए सी डी हमारा कितना है? 70 डिग्री। ए सी ई हमें पता नहीं है, ए सी ई हम फाइंड करना है, और इसकी वैल्यू अभी हमने क्या डिराइव किया? 50 डिग्री, ओके। देन एंगल ए सी ई इक्वल टू 70 माइनस 50 डिग्री, ओके। देन ए सी ई विल बी 20 डिग्री, ओके। दिस इज योर आंसर। तो आप लोगों को पहले ही मैं समझा दिया था, ये 130 है, ये 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये इक्वल है। इसे वर्बली भी आप लोग, बट इसे सॉल्व करना है तो आपको कंप्लीटली इसे करना ही होगा, क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, इन फिगर इफ एल पैरेलल एम, एन पैरेलल ई पी एंड एंगल 1 = 85 फाइंड एंगल 2। स्टूडेंट दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन। अब यहां पे एल पैरेलल एम दिया है और एन पैरेलल पी दिया है, क्लियर है? यानी ये एक पैरेलोग्राम का शेप हो गया, ये जो है ये एक पैरेलोग्राम हो गया। तो पैरेलोग्राम में आपको सबसे पहले तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये कंजिक्यूटिव है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्लियर है? कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो एंगल 1 की वैल्यू 85 दिया है तो ये 85 हो जाएगा, ओके। अब एंगल 2 की बारी है, तो एंगल 2 ये दोनों क्या है? दो पैरेलल के बिटवीन है, और दो पैरेलल के बिटवीन कंजिक्यूटिव या एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180। तो इट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट? तो ये आसानी से आप लोग निकाल सकते हो इसे, ओके, ये सॉल्व कर सकते हो आप लोग। सिंस एन है ना, एन पैरेलल, ओके, एन पैरेलल पी एंड एम इंटरसेक्टिंग एन एंड पी, देन एंगल 1 = एंगल 3 बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल्स, देन एंगल 3 = 85 डिग्री, अगेन एन पैरेलल एम एल पैरेलल एम एंड पी इंटरसेक्टिंग एम एंड एल, देन एंगल 3 + एंगल 2 = 180 डिग्री, ओके, बाय सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव एंगल्स बिटवीन 2 पैरेलल्स, = 180 डिग्री, ओके। देन स्टूडेंट एंगल 3 की वैल्यू कितनी है? 85,
प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 इक्वल टू 95 डिग्री आंसर। ओके, एंगल 2 की वैल्यू 95 हो गई। नाउ द नेक्स्ट वन स्टूडेंट, दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, वो इसी तरीके का क्वेश्चन था। बी ए सी यहां दिया हुआ है, अब आपको फाइंड क्या करना है, सो दैट ए बी पैरेलल ई एफ। अच्छा, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसे प्रूव कैसे करेंगे, ए बी पैरेलल ई एफ। ओके, तो सबसे पहले इसे और इसे पैरेलल दिखाना है, फिर इसे और इसे पैरेलल दिखाना है। क्लियर है? इन फिगर गिवन दैट एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, सॉरी बी ए सी इक्वल टू 57 डिग्री एंड एंगल ए सी डी इक्वल टू 22 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 57 डिग्री। एंड एंगल बी ए सी नाउ एंगल बी ए सी एंड एंगल ए सी डी आर अल्टरनेट एंगल्स, सो बी ए पैरेलल सी डी इक्वेशन वन। ओके, ये हमारा बी ए और सी डी पैरेलल हो गया। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट है, तो अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं। क्लियर है? नाउ अगेन एंगल एफ ई सी प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 145 प्लस 35 इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहां पे इस एंगल, ये कैसे एंगल हैं, हियर एंगल एफ ई सी एंड एंगल ई सी डी आर टू कंजिक्यूटिव एंगल्स देयरफॉर एंड वी नो दैट सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री
then the sides are parallel. Therefore, EF parallel CD. Parallel CD. Equation 2 हो गया. From equation 1 and 2, we have AB parallel EF. क्यों? क्योंकि EF आपको CD के भी parallel है और AB के भी पैरेलल है. तो यही प्रूव करना था स्टूडेंट. ओके, तो स्टूडेंट इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं आपको, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसे आप होमवर्क में कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट, यही सब क्वेश्चंस हैं. सो फॉर टुडे स्टूडेंट्स दैट्स ऑल. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.